फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त चिरन कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा हुआ था, हमने एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमारा पहला वीडियो इसका कंप्लीट कर चुके थे। अब हम एलसीएम के सेकंड वीडियो की ओर जाएंगे, जिसमें हम एलसीएम के उसी लेवल में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे हमको कुछ नए क्वेश्चंस का सामना करने मिलेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने कल बताया था, कुछ मैं बराबर रिपीट कर लेता हूं, फिर आप बताइएगा क्या करना क्या नहीं करना। ये लिखा हुआ है 8 24 42। ओके, और फ्रेंड्स आपको बोला गया है कि आपको इसका एलसीएम करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे एलसीएम तीनों का सेम करना है। मैंने आपको बताया था 8 24 42 साथ साथ करना है। सबसे छोटी संख्या को पकड़ना है सबसे पहले। क्या होगी, 2 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, मतलब 12 आ गया। 2 2 4 2 1 2 21 आ गया। फिर से 2 से करिए, 2 2 4 2 6 12, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से किया, 2 1 2 तो 3 6, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से करिए, क्योंकि अब 2 से भाग नहीं जा सकता, इसमें हमने 3 से भाग दिया, 3 7 21, 7 से किया। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा यहाँ तक का सवाल हो गया। अब हमें क्या करना होगा, आंसर निकालना होगा। ओके, कितना आंसर होगा, तो ये दिए गए हैं, दी गई संख्या के फैक्टर्स, इनका एक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4 4 2 8 8 3 24, 24 का यदि 7 में गुणा कर दिया जाए, 4 7 28 कैरी, 2 4 4 2 8 सॉरी 7 2 14 और 2 16। सो फ्रेंड्स, इस संख्या का, इन तीनों संख्या का क्या हो गया, एलसीएम हो गया 168। एलसीएम अर्थात वह संख्या जहां पर, जिसमें दी गई तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग जा सके, ये हम लोगों ने उस दिन करके देखा हुआ था। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि दी गई संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैंने आपको बताया था ये एलसीएम साथ साथ निकाला जा रहा है। जब एचसीएफ की बारी आती है तो एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है, मतलब कि ये इस संख्या का एचसीएफ हो गया। देखिए हम लोग देख सकते हैं 8 का 24 का आप निकालते हैं, तो 24 का हमने निकाल के देखा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 24 का हमने एचसीएफ के लिए एलसीएम अलग अलग निकाल दिया। बात आती है 42 की, 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 1 से करेंगे। फ्रेंड्स, इन तीनों संख्याओं के फैक्टर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में मैच करती है, मतलब कि यहाँ पर 1 2 आया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, मतलब फैक्टर्स 1 तो क्या होगा, 2, इसके बाद ये यहाँ पर 2 है, यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ 3 है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं। अर्थात इन तीनों को डिवाइड करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 2, जो सबको पूर्णतः काट सकती है। देखते हैं, 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2, मतलब फ्रेंड्स ये 2 जो है वह सबको बराबर बराबर काट सकता है, पूर्ण रूप से काट सकता है, जिसमें कोई भी शेष पर नहीं होगा। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हमें नेक्स्ट दिया गया है, इसमें संख्याएं भिन्न में लिखी हुई है, अर्थात एक हर और एक अंश, ये दोनों दिए हुए हैं। ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला कहलाता है हर। अब हमको बोला गया दी गई भिन्न का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम बोल रहे हैं या एचसीएफ बोल रहे हैं, अब दी गई भिन्न का आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें जरा। यदि भिन्न की बारी की जाती है कि आपको किसी दी गई भिन्न का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो जो भी चीज निकालनी है उसको आप रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे वाली संख्याओं को क्या होगा, एचसीएफ। फिर से देखेंगे, यदि आपसे बोला है एचसीएफ निकालना, अगर आपसे बोलते एचसीएफ निकालना, तो आप ऊपर रखते एचसीएफ और नीचे रखते एलसीएम। समझ में आया, एक फॉर्मूला हो गया। क्योंकि पॉइंट वाली संख्याएं आएंगी या डिवाइड वाली संख्याएं आएंगी, तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। आगे देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला है इसका एलसीएम निकालना है, तो फ्रेंड्स देखेंगे एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की संख्याओं को क्या निकाल लेंगे,
एलसीएम और नीचे की संख्याओं क्या निकालेंगे एचसीएम। ओके वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये पूर्ण से विभाजित हो, नीचे तो समझ में आ रहा है कि नीचे 11 जो है उससे सारी संख्याएं कट सकती हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा 11, ऊपर देख लेते हैं 14 42 21, 2 से किया 2 7 14 21 आ गया, इसमें भाग नहीं जाए, 3 से किया इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें चला गया, 7 से किया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया 7 21 42, अर्थात इन तीनों का जो एलसीएम फैक्टर्स है वो क्या हो गया है 42। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये आ गया 42 डिवाइडेड बाय एचसीएफ कितना आया तीनों का 11, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 42/11। यदि आपसे इसी संख्या में ये बोला जाता कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता, ऊपर वाली जो दी गई संख्याएं हैं उनमें हमें क्या करना पड़ता एचसीएफ बटे एलसीएम, मतलब कि ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, ये संख्याएं बड़ी से बड़ी किस संख्या से काटी जा सकती है। देखिए 14 जो है 42 जो है 21 जो है अधिकतम 7 जो होती है उससे काटा जा सकता है। आप सभी से बनता है इसलिए मैं करके नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको करेंगे इसके फैक्टर्स होंगे, 14 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 7, ओके 42 का हो जाता है 2 × 3 = 6 × 7 = 42 और 21 का होता है 3 × 7। ओके फ्रेंड्स अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 7 ऐसी संख्या जो सब में मैच हो रही है और किसी में मैच नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या निकल आया 7। अब बारी आती है एलसीएम को निकालने की, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम दिया गया 33, 55 और 2। सबसे पहले हमने 2 से किया, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें चला गया, क्या बचा 11। फिर हमने 3 से भाग दिया, इसमें चला गया, इसमें नहीं जा रहा। फिर 5 से दिया, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें चला जाएगा, 5 × 5 = 5। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 11 बचा हुआ है, हम लोगों को 11 से ही करना होगा, 11 × 1 = 11 × 1 = 11। आप देख सकते हैं ये हमारे फैक्टर्स आ गए, अब इन फैक्टर्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 30 का यदि 11 में गुणा करेंगे, सो फ्रेंड्स ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 11 का 3 में गुणा कर दीजिए, 11 × 3 = 33 और ये एक जीरो लगा दिया। आप देखिए इतनी बड़ी संख्या का हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही प्रकार से करके देख लिया है और इन क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाना है, मतलब आपको कोई संख्या यदि डेसिमल में भी आ जाती है तो आपको ध्यान देना है और दी गई संख्या को इसी माध्यम से सॉल्व करना है। ओके अब हम लोग आगे चलेंगे फ्रेंड्स, दिए गए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको एलसीएम बताना है कि पूरी संख्या का एलसीएम क्या होगा, और फिर आपको जब एक आंसर आ जाता है आपको ये बताना है कि पूरी संख्या में एचसीएफ क्या होगा, अर्थात आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए, आपको मान लीजिए पहले एलसीएम निकालना, मैंने आपको क्या बताया एलसीएम निकालना है दिए गए फ्रैक्शन का, यदि आपको एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम डिवाइडेड बाय नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। चलिए कर लेते हैं, हम लोग करेंगे क्या होता है एलसीएम निकालना 11 55 33 44, ये बड़ी संख्याएं हैं, टेंशन नहीं लेना लेकिन बिल्कुल सरल हो जाएंगी। यहाँ देखिए 2 से किया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट गया, ओके फिर 2 से किया, ये नहीं कटेगा, ये कट गया, ये भी नहीं कटेगा, ये कट गया, और ये अब हम 3 से कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब 5 से कर दिया, देखिए 11 आ गया, यहाँ पर भी 11 बचेगा, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी गया। फ्रेंड्स 11 11 से कर दिए, 11 × 11 = 11 × 11 = 11, ओके। अब सिस्टम जो हमारा है फ्रेंड्स, जो इसके फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 / 12 / 12 = 60, 60 का 11 में गुणा कर दिया कितना जाएगा 11 × 6 = 66 और ये 0, मतलब एलसीएम निकाला तो कितना आ गया हमारे पास 660, ओके 660 आ गया। ये है इस पूरी संख्या का एलसीएम।
अब बात की जाती है HCF की, तो मैंने HCF का आपको मैंने क्लियर क्या बताया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन सभी संख्याओं को काटा जा सके। देखिए 14 भी कट जाए उसी संख्या से, 42 भी, 35 भी और 63 भी, ठीक है। आप लोगों को फैक्टर्स भी मालूम है, अगर आप चाहें तो फैक्टर्स देख सकते हैं। 14 का फैक्टर होता है 2 × 7, 42 का फैक्टर होता है 2 × 3 × 7, 35 का होता है 5 × 7, 63 का यदि बात करें तो 3 × 3 × 7, 3 × 9 = 9, 7 × 63, ओके। इन चारों संख्याओं के फैक्टर्स में जो मैच करता है वो क्या 7, ठीक है। नॉर्मली भी बता सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपको बता दूं। तो दी गई संख्या में फैक्टर्स क्या आ गया है, HCF क्या आ गया, टोटल 7। तो हमारी इस पूरी संख्या का LCM निकला क्या, 660/7, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन आपको यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा है, आपसे पूछा है कि दी गई संख्या का ही आपको क्या बताना है, HCF बताना है, मतलब कि ऊपर की संख्या में क्या बताना है, ऊपर की संख्या में चाहिए अब HCF। फॉर्मूला क्या है, HCF बटे LCM। कैसे निकालेंगे, ऊपर की संख्याओं का HCF निकालना था, ऊपर की संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हर एक संख्या ब्रेक हो सके। देखेंगे अच्छे से, देखेंगे ये सारे के सारे टेबल 11 की टेबल में आते, तो सबको 11 से ब्रेक किया जा सकता है। HCF क्या आ गया 11। अब बात करते हैं नीचे, तो नीचे फैक्टर्स क्या हो नहीं मालूम, तो हमको निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ हम लोग निकाल के देख लेते हैं, बन जाएगा हम लोगों से 14, 42, 35 और 63। देखिए हमने किया 2 से किया 2 × 7 = 14, 21 आ गया, 35, 63 बिल्कुल नहीं कटेंगे। फिर हमने 3 से काटा, ये नहीं कट सकता, 30 × 7 = 21, ये भी नहीं कट सकता, ठीक है। ये हो गया 3 × 6 = 3, 1 = 3, फिर 3 से कर दिया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 30 × 7 = 21, ये कट गया। फिर 5 से किया, ये नहीं कट सकता, ये भी नहीं, 5 × 7 = 35, यहाँ 7 आ गया, यहाँ फ्रेंड्स अब 7 से करेंगे, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया 1, ओके। अर्थात अब एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग कर लेते हैं, देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90। अब 90 का 7 में गुणा कर दो, 90 × 7 = 63। देखिए फ्रेंड्स इनका भी क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 630, और यहाँ पर HCF कितना 11/2, टोटल आ गया कितना 11। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में जब आपसे LCM पूछा गया तो 660/7 था, और जब आपसे HCF पूछा गया तो 11/630 हो गया, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो चीज हमें निकालना है उसे कहाँ रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.75, कॉमा लगा हुआ है 5.6, 7, मतलब 3 संख्या अलग अलग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले इनका दशमलव हटाएंगे तो क्या लगेगा, संख्या हो जाएगी, यहाँ संख्या बची 175/1, माने 1, 2 संख्या है तो 00 लग गया। फिर 5.6 में संख्या क्या है 5, 6, पॉइंट मतलब 1 और ये 10, यहाँ पर 7 के लिए 7/1, ओके। पहला तरीका ये होता है बटे वाली संख्याओं में कि संख्या यदि सॉल्व हो सकती है तो इसको काट करके सरल करिए। हम लोग काटने की कोशिश करते हैं, 5 से हमने इसको काटा, 5 × 10 और ये 0, ठीक है। 5 से और काटा कितना हो जाएगा, 5 × 15 बचा कितना 2 × 5 = 25, अभी भी कट सकता है, कट सकता है ना, और काट सकते, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, मतलब 7/4 आ गया। यहाँ 56/10 है, इसको काटते हैं, 5 से काटा, 2 से काटते, 2 × 5 = 10 और यहाँ पर कितना आ गया 28, मतलब 28/5 और ये कितना आ गया 7/1। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखेंगे, अब आपको वह संख्या बतानी है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ऊपर निकालना है HCF, नीचे निकालना है LCM। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूरी तरीके से ब्रेक कर सके, तो क्या होगी 7, 7 सभी को ब्रेक कर देगी। नीचे निकालना है LCM, दो अलग अलग प्रकार की संख्याएं डायरेक्ट इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 20 इतना ही आएगा LCM। अब इसका इसमें भाग करना है,
ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर एक काम करिए, ये मान लीजिए ये 20 नहीं, यहाँ पर ये कितना है 2 × 10 है, समझ सकते हैं। 2 से हमने इसको काटा, कितना आ गया 3.5, और इसमें 10 का भाग दे दो तो एक संख्या और इस तरह दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया एक संख्या बाद यहाँ दशमलव। फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ गया 0.35, संख्या वही है आंसर, लेकिन आपका डेसिमल में आ चुका है। हमें यदि हम डेसिमल में निकालते तो हमको थोड़ा सा टिपिकल होता, हमने इस तरीके से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का मैं आपको बताता हूँ, फिर आप उसको करके देखिए आपसे कितना बनता है, नहीं बनेगा मैं फिर से बताऊंगा, आप मुझे यदि कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्सेस को सॉल्व करके फिर से दे दूंगा। ये देखिए संख्या लिखी हुई है 0.36, यहाँ पर लिखा हुआ 1.2, और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 4.8, और बोला गया है कि जो दी गई संख्या है इसका आपको निकालना गया है एलसीएम। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, एलसीएम। डेसिमल में सबसे पहला काम क्या है, डेसिमल हटाइए, कितना हो जाएगा 36/100, ये हो जाएगा 1.2 है तो 12/10, और ये 48/10। यदि इजीली हो सकता है कट सकता है तो काट के देखिए इसको, हमने देखिए इसको काटा, 4 से काटा आया 25, 4 × 9 = 36, 9/25। इसको काटिए, 2 से काटा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, आगे इतना 6/5। इसको काटा हमने, 2 से काटा, 2 × 5 = 10, यहाँ पर आगे कितना 24/5। आपको बोला गया है दी गई संख्या में क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम मतलब ऊपर ऊपर का एलसीएम, नीचे नीचे का एचसीएफ। नीचे का एचसीएफ हो गया 5, ऊपर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं, 9, 6 और ये 24। फ्रेंड्स 3 से किया हमने, पहले 2 से कर लीजिए आप, 2 से किया इसमें भाग नहीं किया तो दिया 6, ये 1 × 2 आ गया, फिर 2 से किया इसमें भाग नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, 2 × 6 = 12, फिर 2 से दे दीजिए इसमें अभी भी नहीं किया, 2 × 3 = 6, आप 3 से दे दीजिए इसमें चला गया, इसमें चला गया और 3 से दे दिया। ओके फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3 = 24, और 24 × 3, ठीक है ना, 24 × 3 कितने होते हैं 72, यानी 72। फ्रेंड्स देख सकते हैं यह वह संख्या है 72 जिसमें 9 से भाग करेंगे, 9 × 8 = 72, 6 से भाग देंगे तो भी भाग जाएगा लगभग 12 बार, 24 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, अर्थात हमारा दिए गए क्वेश्चन का हमने एचसीएफ पूर्ण रूप से निकाल लिया है, एलसीएम भी निकाल लिया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए दी गई भिन्न में जो आपसे पूछा गया ऊपर वाली संख्या में आपको वही करना है, एलसीएम बोला है तो एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। सो फ्रेंड्स आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराने से पहले आपको एक चीज हिंट कर देता हूं, जब भी एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाती है मुख्य रूप से 2 संख्याएं प्रमुख रूप से होती हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, लेकिन जब 2 संख्याएं रहती हैं और 2 संख्याओं के रूप में यदि बात की जाए, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, तो एक फॉर्मूला काम में आता है जो क्वेश्चन में काम करता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का एलसीएम, अर्थात यदि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या जो दी गई है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। सॉरी देखेंगे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से नोट कीजिएगा, मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम 1920 है, ये देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम 1920 है, और आपको बोला गया है यदि इनका एचसीएफ 16 हो, एचसीएफ कितना हो 16 हो, एचसीएफ 16 हो, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो, एक संख्या कोई भी हो सकती, इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो दूसरी संख्या आपकी विद इन सेकंड निकल के आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर
इनमें से कोई चार चीजों में से तीन चीजें दी हैं और एक निकालने के लिए बोला, वो आपसे इजीली निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां देखिए x को हम यही करेंगे कैरी, 128 को यहां भेजेंगे, 16 गुणित 1920 डिवाइडेड बाय 128। 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 128 आता है, देखेंगे 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। ओके, 8 से कट सकता है तो काट दीजिए, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने 3, 8 चौके 32 और ये 0। x बराबर कितना आ गया 240। x क्या है हमारा, दूसरी संख्या है। फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे। यदि आपको दिए गए इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि पहली और दूसरी संख्याएं दी गई हैं और बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 1920, लेकिन एचसीएफ नहीं मालूम। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे हम भाग देंगे 1920 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइड चेंजिंग करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। ये कि जीरो से जीरो कट गया और काट लीजिए, 24 से काट लीजिए, काय से कटेगा ये, 12 से काट लीजिए, 12 से भी कट जाएगा, 24 से काटना है 24 से भी कट जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग 6 से काटते हैं, 6 चौके 24, 6 3 18 बचा 1, 6 2 12, आप आईने की तरह साफ है, 4 8 32, 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8 बचा 4 8 6 48। फ्रेंड देख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया 16, जो कि हमारा एचसीएफ था। मतलब कि आपको यदि किसी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इन चारों में से कोई भी एक संख्या निकालनी है तो आप वह निकाल सकते हैं, बशर्ते कि तीन संख्याएं आपको दी हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको मिटाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जिसको भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ रही है कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे साथ में जुड़े रहने से आपको आगे जो वीडियोस मिलने वाली हैं वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यकीन मानिए, आपने किसी क्लास किसी कोचिंग में इन चीजों को पहले पढ़ा हो, लेकिन मेरे साथ में पढ़ने के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि ये चीजें जो है जो आपसे नहीं बनती थी वह भी आपसे, क्योंकि मैं आपको हर चीज ग्राउंड लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लड़कों से बहुत से स्टूडेंट से ये चीजें बनती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह रुक जाते हैं। और रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में हमारी कलम का रुकना हमारे समय को वेस्टेज करता है, इसलिए हमारा समय वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, इस लाइन को ध्यान देंगे, छोटी से छोटी, क्योंकि मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो दो शब्द बताए थे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान देंगे। फिर से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18 और 24 मैं से पूर्णतया विभक्त हो, मैं से पूर्णतया विभक्त हो, अर्थात आपसे वह छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है जिसको आप 8 से भाग दे दो, 12 से 18 से 24 से किसी भी संख्या से भाग दे दो तो भाग पूर्णतः जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने बताया था यदि छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है, अर्थात बात की जा रही है एलसीएम की, और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती थी तो वहां पर हम एचसीएफ को काउंट करते थे, क्योंकि हमको इन संख्याओं से भाग देना है, तो हम जिस संख्या में भाग देंगे वो तो इनसे बड़ी होगी, और बड़ी संख्या अर्थात एलसीएम निकालने के लिए। तो चलते हैं हम लोग यहां पर निकालते हैं एलसीएम क्या होगा इसका, 8, 12, 18 और 24 करके देखते हैं। 2 से किया, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 नाम 18 और ये 1 2। फिर से 2 से देते, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब भाग नहीं जाएगा,
यहाँ पर एक बार और जा सकता, बस सॉरी यहाँ पर भी जा सकता था, हमने भाग नहीं दिया, दो छह बारह, दो दिया छह, अब नहीं जाएगा। लेकिन फिर हमने तीन से किया, तीन एकम तीन, तीन तरकार नौ, तीन एकम तीन, और ये पूरा आपका फ्रेंड्स ये पूरा ग्राउंड रूल पे है। अब हम देखेंगे इनके फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या संख्या बनती है। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तीय चौबीस, चौबीस तीय बहत्तर, अर्थात दी गई संख्या का एलसीएम क्या हुआ, 72, बहत्तर हुआ। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे क्या बहत्तर वह संख्या है जिसमें हमारा पूर्णतया भाग जा सकेगा इनसे। तो हम लोग एक बार ट्रायल करके देख लेते हैं। 72 लिया, इसमें हमने 8 से भाग करके देख लिया, 8 ना 72, देखिए फ्रेंड्स कट गया। ओके अब बारी आती है 12 की, 12 से हमने किया 12 छिंग 72, ये भी कट गया। 18 से करते हैं, 18 का टेबल में 18 दूनी 36, 36 का दोगुना होता है मतलब 18 चौके 72, ये भी कट गया। अब बारी आती है 24 की, तो फ्रेंड्स इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 24 या 72 होते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। सो इस वीडियो को लगातार देखते रहें, और हाँ इस चीज को बिल्कुल ना भूलें, यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।